So first I would like to call upon Mr. Satyajit. He's a banker and I'll just read a small bit about him. He's done his MBA Finance Capital Markets practicing specialist from last 20 years with banks like Standard Chartered Bank, Singapore Bank and Dutch Bank to name a few. And baki ka main unko bolne dungi unke bare mein. Please sir, come up. Thank you so much. हार्दिक अभिवादन आपके लिए सबके लिए. आप में से कितने लोग पूना पहली बार आ रहे हैं? मुली ना तुमच्यासाठी विचारत आहे की तुम्ही लोक पहिल्यांदा पुण्यात आले की पहिले पण आले? आता जवाब आंसर दो, जोर से आंसर दो. मेरा मराठी थोड़ा वीक है इसलिए मैं हिंदी में वार्तालाप करूंगा आपसे. आपको क्या अच्छा लगता पुणे के बारे में? तुम्हाला पुण्याच्या विषयी काय आवडतं? या शहराच्या बाबतीत काय आवडतं? तुळशी बागेत आले की नाही? काय आवडतं मग पुण्याचं? मिसळ पाव, वडा पाव. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए सवाल पूछा कि मैं भी एक बहुत ही छोटे शहर को ब्लॉक करता हूँ. मतलब मैं एक शहर जिसका नाम है ओरकिला, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. इट्स स्टील सिटी. एंड उस समय हमारे पास भी आप जैसे उतना साधन नहीं था. मतलब हम ड्रीम करते थे IIT IIMs के, बट हमको वैसा स्टडी का मतलब जो पढ़ाई का माहौल मिलता नहीं था, टीचर्स नहीं मिलते थे. तो मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि मतलब मैं ओरकिला से बिलोंग करता हूँ. और जैसे कि मैंने आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा कि आप पूना कितने लोग पहली बार आ रहे हैं, इसका सवाल का रीज़न ये था कि आपको क्या अच्छा लगा पुणे के बारे में. मेरा रीज़न ये भी था कि पूना इज कंसिडर्ड इट्स द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे अच्छी जगह है. तो आप जब आज अंशुर तक आप FC कॉलेज गए थे तो आपके मन में क्या चल रहा था जब आप कॉलेज कैंपस में थे? आज तुम्ही फर्ग्युसन कॉलेजला गेले होते ना, तर ते विचारतात की तुमच्या मनात तेव्हा काय विचार आले, कोणाला सांगायचं आहे, कसं वाटलं? प्राचार्य तू सांग. देखिए हम यहाँ सब दोस्त हैं, आप बिल्कुल भी झिझक मत करिए, आराम से बात कीजिए. पढ़ना चाहिए वो इसलिए क्योंकि आपको जो एजुकेशन है जो आपको मिलता है अपने स्कूल में उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको अपने सपने को बहुत इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ाने का. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पूना जैसे शहर में आए और पढ़ाई करें अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए. तो मेरा जर्नी, मेरा भी जो यात्रा है वैसे शुरू हुआ था मेरे छोटे शहर से, रौरकेला से. तो मैंने कभी सोचा नहीं कि इसके आगे क्या हो सकता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. पर हमने हमेशा सोचा कि हमको अच्छी पढ़ाई चाहिए, तालीम चाहिए, तो उसके हिसाब से हमको बड़े शहर जाना ही पड़ेगा. उस हिसाब से हमने अपना प्रिपरेशन किया और आई मतलब मैं लकी था कि मैं पुणे MBA में मेरे को मिला एडमिशन. और
एज प्रोफेशनली मतलब मैं जो काम करता हूँ वो है बैंकिंग में, और मेरा जर्नी शुरू हुआ 2001 में जो पहला मेरा जॉब था, एंड उस हिसाब से काफ़ी लंबा जर्नी रहा है और उसमें काफ़ी कुछ सीखने की मिली मेरे को। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई में शौक है तो उसमें ज़रूर देखिए आप, और आगे का भी देखिए, और ताकि आप अपने दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं इस सिलसिले में। और बैंकिंग के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि मैं इस फील्ड में कम से कम 25 साल से हूं, और बहुत अच्छे सारे अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। इनफैक्ट आपको मालूम है कि पता नहीं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज मतलब सबसे पहला बैंक था जिसमें कि इट इज़ द ओनली बैंक विच हैज मतलब ओनली लेडीज स्टाफ, दैट इज इन कैलकटा। ते म्हणतात की स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक नावाची एक बँक आहे, तुम्हाला माहिती, बँक सगळ्यांना माहिती आहे काय असतं, जिथे आपण पैसे जमा डिपॉझिट करतात। हिंदी कळत असेल ना एवढं, कारण हिंदी कळत आणि एक भाषा पण येणार त्यांना। ओके एक्सेलेंट, मग तुम्हाला समजलं ते म्हणतात की कॅलकटा मध्ये ह्या बँकेत फक्त आणि फक्त मुलीच होते ऑफिस मध्ये, तर म्हणजे तुम्हाला पुढे ज्याला कोणी बँक मध्ये आपलं करिअर करायचं असेल तर मग तुम्हाला खूप संधी आहे बँकिंग सेक्टर मध्ये पण, असं ते म्हणतात। अच्छा, मी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूंगा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि बैंक में काम करें? कोणा कोणाला बँकेत काम करायचं आहे? अच्छा, आपका नाम क्या है? नाव सांग। माझं नाव वैष्णवी। अच्छा वैष्णवी, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप पूछा अच्छी लगती है, दोनों एक साथ चलते हैं तो नहीं वेरी हैप्पी टू नो, मतलब बहुत खुशी हुई जाती है कि आपको क्लैरिटी है, आपको बिल्कुल मालूम है कि क्या करना है आपको जिंदगी में, तो उस हिसाब से आपको आगे चलकर बैंक के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, परीक्षा होती है, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। उस हिसाब से उसके लिए थोड़ा आपको फोकस भी रखना पड़ेगा और अपने आप को हमेशा हमेशा क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से कैसा है कि बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स हैं आज की डेट में, मतलब आपने सुना होगा ICICI बैंक, किसने सुना है, किसी ने ICICI बैंक का नाम सुना है, HDFC बैंक, कोई तो बैंक का नाम सुना होगा, नहीं कौन सा बैंक है, सहकारी बैंक, महाराष्ट्र बैंक, अच्छा, SBI, तो ये सारी जो बैंक्स है ये संस्था है, तो इसमें सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें आपको बैंक PO का एक एग्जाम होता है वो देना पड़ता है जो कि प्रोबेशनरी के ऑफिसर की जॉब होती है, और उसके बाद आप अपना उसमें बैंक में भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि आप चूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक आज की डेट में, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप अपने आप चूज कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों के लिए, और बहुत सारी महिलाएं MD रह चुकी हैं, आप जो मैनेजर बोल रहे हैं उससे बहुत बड़ा पोस्ट है, तो जैसे कि स्टेक होल्डर, जैसे कि कंपनी के ओनर के ऐसे ही हैं उस हिसाब से, तो जर्नी लंबा है लेकिन आसान नहीं है, बट आपकी अगर चाह है तो राह है, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।